नाबालिग से रेप केस के मामले में आसाराम उम्र कैद की सजा काट रहा है। इन दिनों आसाराम का सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में आसाराम अपने भक्तों को प्रवचन दे रहा है। आसाराम के ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आसाराम उम्र कैद की सजा पाने के बाद अपने भक्तों को जेल में बैठकर ही प्रवचन दे रहा है। इस ऑडियो में आसाराम न सिर्फ भक्तों को उपदेश दे रहा है बल्कि दावा भी कर रहा है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। ऑडियो को सुनकर साफ लग रहा है कि आसाराम जेल से भक्तों के लिए संदेश जारी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे सजा के बाद शांत रहकर भक्तों ने अच्छा काम किया। आसाराम एक कैदी नहीं बल्कि एक संत की तरह प्रवचन दे रहे हैं। ऑडियो हैरान करने वाला है क्योंकि दावा है कि आसाराम का ये ऑडियो उम्र कैद की सजा पाने के बाद का है। आसाराम का जो चौंकाने वाला ऑडियो टेप है उसमें आसाराम न सिर्फ खुद बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं बल्कि पहले वो अपने राजदार शिल्पी और शरद को जेल से आजाद कराने की बोल रहे हैं। बता दें कि इन ऑडियो टेप्स में आसाराम जिस शिल्पी का जिक्र कर रहा है वो छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन थी जबकि शरद हॉस्टल का संचालक था। दोनों ही आसाराम के कुकर्मों में बराबर के भागीदार रहे हैं जिन्हें नाबालिग से रेप केस में दोषी करार देते हुए अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। शिल्पी और शरदचंद्र के लिए आसाराम की बेकरारी समझी जा सकती है। शिल्पी लंबे समय से उसकी राजदार रही है और शरदचंद्र भी उसके गुनाहों में बराबर का भागीदार है। इस ऑडियो टेप में आसाराम बार बार अपने भक्तों को इस बात का भरोसा दे रहा है कि उसके लिए शिष्य पहले हैं और यहां तक कि बेटा नारायण और बेटी भारती का नंबर भी बाद में आता है। पहले शरद और शिल्पी को निकलवाएंगे, बाद में हम आ जाएंगे तुम्हारे बीच, चिंता की कोई बात नहीं। जितनी बड़ी गाज गिरती है उतने बड़े रास्ते भी बन जाते हैं। और यहाँ के डीआईजी साहब या और भी स्टाफ, पुलिस स्टाफ, सब बंदी बंदी सब मेरे बीच में सब बहुत दुखी हो गए। मेरे को फिर प्रसन्न देख कर उनका दुख भी मिट जाता है। तो बापू तो यार मौज में है, तो बापू तो मौज में क्योंकि मेरे बापू की बात मान लिया, अभी मेरी बात मान लो। आती परिस्थितियां तूफान आते है, बाद में मौसम बड़ा सुखदाई हो जाता है। जहाँ और वकीलों की जरूरत पड़ेगी है उनसे ही इन बच्चों का काम करेंगे और मेरा काम तो जब समय आएगा तो फिर तुम देख लेना। नारायण साई भारती इतना ही मेरा परिवार नहीं है, मेरे सारे साधक मेरा ही परिवार है। और जो साधकों को छूके खड़े हैं या साधकों को भला बुरा मानते हैं वो भी मेरा ही परिवार है। इस बार मेरे साधकों का तो चिंतन करते हैं, देर वे भी सारे होते हैं हो जाते हैं। अदालत ने आसाराम को जिंदगी की आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा दी है लेकिन जेल के अंदर से प्रवचन के जरिए आसाराम अपने भक्तों को दिलासा दे रहा है कि वो एक दिन बाहर जरूर आएगा। उधर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आसाराम ने शुक्रवार की शाम को 6:30 बजे साबरमती आश्रम में एसटीडी से कॉल किया था। जेल प्रशासन ने कहा कि यह बात नियमों के तहत कराई थी, आश्रम में यह बात रिकॉर्ड कर वायरल की गई। इस संबंध में मुख्यालय ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। जेल प्रशासन ने कहा कि भविष्य में किसी भी बंदी से बात करने से पहले ही लिखा कर लिया जाएगा कि कोई भी अब रिकॉर्डिंग नहीं करेगा और वायरल भी नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। जेल डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि आसाराम से जो भी बात की थी वह नियमों के तहत करवाई गई, अब आगे इस बारे में सख्ती बरती जाएगी।